है चुनाव धमाका। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। शाम के 4 बजे चुनाव धमाका में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज बता दें कि दिल्ली में क्या क्या हुआ है। 25 मई को वोटिंग होने वाली है, पर इस वोटिंग से पहले केजरीवाल फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तिहाड़ से बाहर आने के बाद वो प्रचार भले ही कर रहे हों, पर एक के बाद एक नए मुद्दे अरविंद केजरीवाल पर हावी होते जा रहे हैं। आज जब अरविंद केजरीवाल बीजेपी के खिलाफ दिल्ली की सड़कों पर प्रोटेस्ट करने के लिए उतरे थे, ठीक उसी वक्त दिल्ली पुलिस की एक टीम स्वाति मालीवाल के केस में सबूत तलाशने के लिए सीएम हाउस पहुंच गई। करीब आधे घंटे की जांच की और उसके बाद केजरीवाल के घर से पुलिस की टीम एविडेंस बॉक्स लेकर बाहर निकली। पुलिस ने सीएम हाउस से सबूत के तौर पर एक DVR, लैपटॉप और कुछ कागजात जब्त किए। वहीं अभी अभी ये खबर आई है कि FSL की एक टीम फिर से सीएम हाउस जा सकती है। वहीं 13 मई की घटना में क्या हुआ था, रिक्रिएशन भी आज पॉसिबल है। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली पुलिस अब स्वाति मालीवाल के बयान और विभव कुमार से अब तक जो पूछताछ हुई है उसी के आधार पर DVR की फुटेज को चेक किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ये जानना चाह रही है कि जो बयान स्वाति मालीवाल ने दिए हैं और विभव ने जो कुछ भी पूछताछ में जानकारी दी है वो CCTV के DVR के रिकॉर्डिंग से मेल खाती है या फिर नहीं। आज ही एक बार फिर पुलिस 13 मई की घटना का जो पूरा सीन है उसे रिक्रिएट भी कराएगी। मतलब पूरी तरह से साफ है कि पुलिस मालीवाल पिटाई कांड में एक एक सबूत की कड़ी मिलाकर केस का जल्द से जल्द पर्दाफाश करने की कोशिशों में लगी हुई है। हालांकि अपने अपने तरीके से तर्क जरूर दिए जा रहे हैं। मेरे दो सहयोगी इस वक्त और अधिक अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं, अतुल भाटिया पुलिस हेडक्वार्टर से, कुमार सोनू सीएम हाउस से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, आज चूंकि DVR, कुछ कागजात, लैपटॉप, काफी चीजें, एविडेंस बॉक्स पूरा लेकर पुलिस निकली है, क्या क्या आपके सोर्सेज बताए कि अंदर से मिला है आज? देखिए प्रिया, आज जो है दिल्ली पुलिस की टीम आई थी, जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो आई थी यहाँ पर, और साथ में अपने एक लैपटॉप और प्रिंटर लेके आई थी। उसके बाद क्योंकि एक पेनड्राइव पहले दिल्ली पुलिस को जब दिया गया था तो दिल्ली पुलिस ने जब बाद में उसको चेक किया तो वो खाली निकला था। तो दिल्ली पुलिस इस बार कोई चूक नहीं करना चाहती थी, इसलिए दिल्ली पुलिस खुद अपना लैपटॉप साथ में लेके आई और उन्होंने पहले DVR की फुटेज चेक की और उसके बाद उस DVR को एविडेंस बॉक्स में सील कर दिया और सील करके यहाँ से ले गई है। अब उसे जो है FSL को सौंपा जाएगा ताकि FSL उस DVR की जो भी CCTV फुटेज है उन्हें बिना छेड़छाड़ के उसको रिकवर करके दिल्ली पुलिस को हैंडओवर कर सके विद नोट और विद अपनी रिपोर्ट, ताकि दिल्ली पुलिस जो है उसे बतौर एविडेंस यूज कर सके। दूसरी बात, जो DVR यूज किया, जो दिल्ली पुलिस ने जब्त किया है, उस DVR में जो फुटेज है वही फुटेज जो है स्वाति मालीवाल ने जो बयान दिया है, जो स्टेटमेंट दी है, उससे मिलाया जाएगा। साथ ही साथ विभव ने जो पुलिस पूछताछ में अब तक बताया है उससे मिलाया जाएगा। जी, अगर विभव की जो पूछताछ हुई है, जो विभव ने हिरासत जब वो रिमांड पर है और रिमांड के दौरान जो भी पुलिस को बताया, अगर वो मैच नहीं करता है तो विभव की मुश्किलें जाहिर सी बातें बढ़ेंगी। फिलहाल जो विभव है वो 5 दिन की रिमांड पर है दिल्ली पुलिस के पास। अब दिल्ली पुलिस के पास जो है बिल्कुल, और दिल्ली पुलिस के पास कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं। FSL की टीम एक बार फिर से सीएम हाउस जा सकती है। अतुल भाटिया भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, ये दावा किया जा रहा है कि विभव कुमार जांच में पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं, तो फिर जो फोन दिया गया वो फॉर्मेट करके क्यों दिया गया, जो पेन ड्राइव दी गई वो खाली क्यों मिली, और पासवर्ड क्यों नहीं बता रहे हैं फोन का? देखो प्रिया, देखिए कहीं ना कहीं मंशा विभव की यही है कि किस तरीके से जो पुलिस की जो जांच है उसको उलझाया जा सके। काफी अहम सबूत थे और विभव इस बात को अच्छी तरह जानता है कि अगर उसका मोबाइल फोन पुलिस के हाथ में आ जाएगा तो कई और राज से पर्दाफाश हो सकता है। 201 IPC की धारा पुलिस लगा सकती है जो कि सबूतों को नष्ट करने की धारा है, लेकिन इन अपने मोबाइल के अंदर जो सबूत थे वो सारे अब नष्ट कर चुका है विभव, जिनको पुलिस वापिस लेने की कोशिश करेगी। आखिर क्या तरीका अपनाया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो DVR आज पुलिस ने उठाया है केजरीवाल के, अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास से, अब जो CCTV फुटेज है वो पुलिस के पास होगी। पुलिस ने बकायदा चेक कर लिया कि 13 मई के वीडियोस इस जो DVR है उसके अंदर है। ये जो DVR है ये पूरा जो अरविंद केजरीवाल का घर है उसमें जितने भी CCTV कैमरे लगे हुए हैं उनसे ये कनेक्टेड था, तो पूरा जो CCTV फुटेज है वो इसके अंदर होगा। इसलिए यही कारण है कि इसको बकायदा सील किया गया और सील करने के बाद इसको अब FSL में भेजा जाएगा और उसकी पूरी रिपोर्ट जो है वो दिल्ली पुलिस को मिलेगी। तो अब जो ये पूरी CCTV आएगी उससे 13 मई की पूरी घटना क्या हुई, जो स्वाति मालीवाल ने बताया, जो 164
सीआरपीसी के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दिए और जो विभव कुमार ने बताया, अब इन सारी चीजों को क्रॉस चेक जो है बिल्कुल वो और देखिए सोर्सेस ये भी बता रहे हैं कि एक टीम मुंबई भी जाएगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो फोन फॉर्मेट हुआ है वो मुंबई में हुआ है और इसीलिए हो सकता है कि पूरा डेटा वहां डंप हो और एक टीम मुंबई भी जाएगी, हो सकता है कि विभव कुमार को भी लेकर जाए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इधर स्वाति मालीवाल पिटाई का विवाद सीएम हाउस और कोर्टरूम के बाद दिल्ली की सड़कों पर नजर आ रहा है। केजरीवाल ने कल ही बीजेपी हेडक्वार्टर के घेराव का ऐलान किया था। आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता पार्टी ऑफिस में जुटे। विभव कुमार की गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी दफ्तर के लिए मार्च भी निकाला, लेकिन दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी नेताओं को बीजेपी ऑफिस जाने के पहले ही रोक दिया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के सांसद, तमाम विधायक, पार्षद और कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। थोड़ी देर के प्रदर्शन के बाद आम आदमी पार्टी का धरना खत्म हो गया और सभी नेता वापस अपने पार्टी दफ्तर लौट गए। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी चौथरपा आम आदमी पार्टी को घेर रही है। इधर केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के मंच से करीब 15 मिनट की स्पीच दी। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार उनकी पार्टी को खत्म करना चाह रही है, उनके एक एक नेताओं को गिरफ्तार करके जानबूझकर जेल भेजने की ये पूरी साजिश रची गई है। सुनिए आप उनका बयान। प्रधानमंत्री जी ने आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से खत्म करने और कुचलने का इरादा बनाया है, क्रश करने का इरादा बनाया है। उसके लिए इन लोगों ने एक ऑपरेशन चालू किया है अपने अंदर, जिसका नाम है ऑपरेशन झाड़ू। ये मुझे कैसे पता चला? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री जी से मिलने जाते हैं, उनमें से कई ऐसे भी लोग हैं जो हमें भी जानते हैं, उनसे मिलके आते हैं और हमें भी जानते हैं। सो उनसे मिलके आने के बाद वो हमें बताते हैं, उन्होंने बताया और लगभग सब लोगों का एक ही वर्जन था कि प्रधानमंत्री जी ने छूटते ही आम आदमी पार्टी की बात शुरू की और उन्होंने कहा कि ये आम आदमी पार्टी वाले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके पहले कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए चुनौती बने, बड़ी बने, उसको यहीं पे कुचल देना जरूरी है। अब देखिए केजरीवाल मंच पर थे तो उनके बगल में बैठे थे संजय सिंह और उनकी दाईं तरफ थे राघव चड्ढा, जो कल ही विदेश से अपनी आंखों की सर्जरी कराकर वापस लौटे हैं। केजरीवाल के बाएं हाथ पर आतिशी और गोपाल राय बैठे थे। केजरीवाल ने मंच से लगातार विक्टिम कार्ड खेला, बार बार मोदी सरकार पर आरोप लगाए। पीए विभव की गिरफ्तारी का भी उन्होंने जिक्र किया, लेकिन अपनी ही महिला सांसद स्वाति मालीवाल के साथ जो मारपीट हुई है उस पर केजरीवाल अभी तक चुप्पी साधे हुए कुछ भी नहीं कह रहे। हालांकि उम्मीद पहले से ही ये थी कि स्वाति मालीवाल के मामले में अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं कहेंगे। स्वाति मालीवाल के साथ जो मारपीट हुई है वो इस पर आज कुछ बोलेंगे, ये लोग सोच रहे थे कि हो सकता है कि आज वो अपनी चुप्पी तोड़े, लेकिन आज भी कुछ नहीं बोले और बोले तो सिर्फ मोदी सरकार पर बोले। सुनिए। अब पिछले 2 साल से इन्होंने हमारे नेताओं को गिरफ्तार करना चालू किया। इन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने सतेंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने अब ये कल मेरे पीए को गिरफ्तार कर लिया। बताओ, मेरे पीए तक को गिरफ्तार कर लिया। अब राघव चड्ढा बाहर से आए हैं परसों, कह रहे हैं उसको भी गिरफ्तार करेंगे, कह रहे हैं आतिशी जी को गिरफ्तार करेंगे, सौरभ जी को गिरफ्तार करेंगे, कह रहे कैलाश गहलोत को गिरफ्तार करेंगे। तो मैं आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, आप एक एक करके दुखी हो रहे हो, हम सारे ही आ जाते हैं आज। आज आप हम सबको गिरफ्तार करके देख लो, आज आप हम सबको गिरफ्तार कर लो, हम कोई डरने वाले नहीं है। बीजेपी और मोदी सरकार पर 15 मिनट आरोप लगाने के बाद केजरीवाल और अपने मंत्री कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी दफ्तर की तरफ जाने के लिए बाहर निकले। बाहर निकलते ही संजय सिंह ने मोर्चा संभाल लिया। सड़क पर जमकर नारेबाजी भी हुई आज।
अरविंद केजरीवाल विभव कुमार की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी पर आरोप मढ़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने केजरीवाल से 5 सवाल पूछे और कहा कि दिल्ली के लोग केजरीवाल से इसका जवाब जानना चाहते हैं। सुनिए वो 5 सवाल क्या है। भाजपा से प्रत्याशी नॉर्थ ईस्ट की और मौजूदा सांसद मनोज तिवारी जी मौजूद हैं। सर, मेरा पहला सवाल है, कल विभव को हिरासत में लिया पुलिस ने, आज जो है अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करने जुट गई सड़क पे, आप भी कह रहे थे कि आपने भी देखा वो प्रदर्शन, क्या कहेंगे इस बात? मैं बहुत हैरान हूँ कि एक दिल्ली का मुख्यमंत्री पद पे बैठा व्यक्ति आज महिला को पीटने वाले के पक्ष में प्रोटेस्ट कर रहा है। और महिला पीटी कहां गई है? अरविंद केजरीवाल के घर में। पीटने वाला कौन है? अरविंद केजरीवाल जी का पीए। और जब उसको पुलिस कार्रवाई कर रही है तो वो पीटने वाले के पक्ष में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं तो हैरान हूं। हमें दिल्ली को सर्वसार होते देख रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ने देगी जो महिलाओं पर अटैक करेगा या महिलाओं के साथ दुराचार करेगा। पहले उन्होंने बोला कि लोटस ऑपरेशन चला रहे हैं, उसके बाद उन्होंने बोला झाड़ू ऑपरेशन चला रहे हैं, उन्होंने बोला कि ये स्वाति मालेवाल के द्वारा बीजेपी का रचित एक खेल है। घर अरविंद केजरीवाल का, मारने वाला उनका पीए, पिटने वाली एक महिला, इसमें बीजेपी आती कहाँ से है? आप चाहते हैं कि महिलाओं को पीटा जाए और बीजेपी कुछ न बोले? तो खबरदार, ऐसा नहीं होगा। महिलाओं पे जो अटैक करेगा बीजेपी, उसके खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन दिलाने के लिए हम सारी लड़ाई लड़ेंगे। आपको क्या लग रहा है, क्यों विभव को ऐसे बचाया जा रहा है, ऐसे जमीन पर उतरा जा रहा है? देखिए, 2-3 बातें हो सकती है। एक तो यह है कि अरविंद केजरीवाल ने ही पिटवाया हो, तो जब उनके कहने से ही उसने पीटा हो तो उनको लगता है कि तो हमारे कहने से पीटा तो इसको क्यों सजा मिले। और ये अक्सर अपने भ्रष्टाचारी साथियों को भी ऐसे ही प्रोटेस्ट करके बचाने की कोशिश करते थे।